भर्ती के एग्जाम का आज दूसरा दिन है और इस तरह के व्यवस्थाएं, इस तरह का इंतजाम, इस तरह के नज़ारे आपको तमाम सेंटर्स पर बाहर दिख जाएंगे। जिस तरह से लड़के बैठे हुए हैं एग्जाम का वेट कर रहे हैं, शाम को इनका एग्जाम होना है और इस तरह पॉलीथीन पर बैठ करके चर्चा हो रही है, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के बीच में चल रहा है एग्जाम को लेकर के, इस बार क्या कुछ बदला है, जरा इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए, आपसे आप क्या बदला है इस बार, कुछ ठीक है व्यवस्था पहले से? इससे व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पिछली बार आप आए थे? पिछली बार भी दिया था मैंने। पिछली बार अपना होम डिस्ट्रिक्ट था उसमें, लेकिन इस बार दो डिस्ट्रिक्ट साइड छोड़ के, मतलब अपना मंडल छोड़ के दिया हुआ है एग्जाम सेंटर। लेकिन उसके हिसाब से सुविधा भी दी हुई है, खासकर जैसे रोडवेज सुविधा फ्री, और जिसपे एडमिट कार्ड लिया जाता है, लेकिन अगर जिसपे नहीं है उसके लिए भी सुविधा है। यहाँ तो तुम यहाँ जमीन पे बैठे हुए हो, देखो बाहर एग्जाम सेंटर के बाहर थोड़ा ना वो सुविधा दे। अच्छा ये बताओ कि जो एग्जाम हो रहे, पिछली बार तो पेपर लीक हो गया था, सारी की सारी तैयारी लोगों की धरी रह गई थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई कैसे होगा, हर बार तो परीक्षा से पेपर ही लीक हो रहा है। इस बार अभी पहला दिन जो गुजरा है उसका क्या फीडबैक आप लोगों के पास? बढ़िया है, नकलविहीन परीक्षा हो रही, बढ़िया सिस्टम। तो सरकार को पहले ऐसा इंतजाम कर लेना चाहिए था। सरकार क्या किया था, सरकार ने इंतजाम तो बढ़िया, अब की बार भी सही है, अब की बार नकलविहीन हो रही है परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक दो शिफ्ट के तो हो चुके कल, तो जो लोग एग्जाम देके निकले उनसे बात बात करिए आप लोगों ने, या बाहर आपके जिले में और भी लड़के होंगे जो आपके साथ बैठे होंगे, उनसे जो एग्जाम दे चुके होंगे उनसे कोई बातचीत हुई, क्या कह रहे हो? मेरा अभी वैसे कांटेक्ट नहीं हुआ, वैसे मैंने तो बातचीत नहीं। अभी एक 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 फीडबैक ग्रुप्स में तमाम जो लोग तैयारी करते हैं उनके बीच में चलता रहता है। इस बार मैथ का पोर्शन थोड़ा ऐसा ज्यादा रखा गया है, मतलब रीजनिंग का दबा दिया है, तैयारी की थी हमने वो उसको अभिरुचि को लेकर, मतलब कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें ज्यादा हमने पोर्शन पे ध्यान दिया था, लेकिन वर्ड उसको, लेकिन फिर भी ठीक है हमारे लिए। क्या क्या इस बार कोई नई चीज जोड़ी गई है क्या, कि ये आधार कार्ड भी लाइए, ये भी लाइए, वो भी लाइए, इस तरह से कोई नई चीज जोड़ी गई है पिछली बार से या वैसे ही है? बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आधार कार्ड हुआ, अपना आईडी हुआ, ये सब लाना और एडमिट कार्ड लाना हुआ, पिछली बार के जैसे बिल्कुल है सेम, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मतलब आप लोग 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं सरकार को? जी जी बिल्कुल, 10 में से 10। जी जी 10 में 10 जी जी बिल्कुल जी, सुविधा को लेकर पूरे नंबर, सुविधा को लेकर भी और नकल और पेपर लीक रोकने को लेकर, नकल को लेकर भी इस बार कंफर्म, मतलब है हमें कि इस बार नकल बिल्कुल ही नहीं होगी। तो लड़कों का ये विश्वास है, पहले दिन का जो फीडबैक आया है उसके आधार पर ये बच्चे इस बात का पूरा विश्वास कर रहे हैं कि इस बार एग्जाम यकीनी तौर पर बगैर पेपर लीक के होगा, और इसलिए सरकार को इनकी तरफ से भी बधाई, और सरकार को भी ये चाहिए कि इनकी उम्मीदों पर आने वाले जो 8